हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए अपनी पहली वीडियो के साथ, और आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे, फर्स्ट टाइम एक हॉन्टेड स्कूल है हमारा, जहाँ पे हम पले बड़े तो है उसी के पास में जा रहा हूँ। तो सोचा पहले ही कुछ थोड़ी सी बहुत मतलब वीडियो बना लूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि यार आपकी सपोर्ट के बिना तो मेरा मतलब कुछ होने वाला भी नहीं है। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने द रियल वन और द एक्सप्लोरिंग इंडिया से इंस्पायर होके ये मतलब अपना चैनल ही क्रिएट कराए। तो बेसिकली यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, असल में ये चीज़ें होती तो है पता है, पर ना ये मुझे नहीं लगता कि किसी के मतलब सामने आ जाना, किसी से किसी को पजेस कर देना, ऐसा मुझे नहीं लगता आज के मतलब इस सेंचुरी के केसेस में होता है। पर लेट्स एक्सप्लोर। पहले पहले हमारी पहले वीडियो जो है, इसमें हम अपने हॉन्टेड लोकेशन को मतलब एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे मतलब एक बार मैंने सुना था कि मतलब एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि मतलब मैं पहले भी ऐसी चीज़ें कर चुका हूँ। मैं गया था शमशान घाट पे, वहाँ पे मैं मतलब एक बार शूटिंग कर रहा था, तो उसने कहा था कि यार यहाँ पे आप जो आप खड़े हो, ये तो मेरे ससुर की कब्र है। तो मतलब मुझे तो ऐसा वैसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो एक नॉन बिलीवर हूँ। तो वो अपने ही अपनी एक यंग स्टोरीज बताने लगी, जैसे कि हमारी नई शादी हुई थी और हम यहाँ पे आए थे, तो बहुत ही चिल्लाने वगैरह की आवाज़ आई थी। तो यार आई डोंट नो मतलब ऐसा तो कुछ हुआ है, हुआ तो बेसिकली नहीं होगा। तो फिर भी उन्होंने जो कहा दैट्स ओके। तो मैं अगली रात वहाँ पे गया और वहाँ पे मतलब एक्सप्लोर किया। अरे यार आपको बता दूँ, आज यहाँ पे यार बहुत 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 गर्मी लगी है, और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में द रियल वन और द एक्सप्लोरिंग इंडिया के अलावा मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, और आगे आप पे। तो यार एक बात मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊँ, मतलब ये चीज़ें मैंने कभी देखी हुई तो है नहीं अपनी मतलब पूरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस में, मैंने कभी ये चीज़ें नहीं देखी। और दूसरी बात तो यार अभी मैं ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मतलब सिटी की लोकेशन में हूँ, मतलब यहाँ पे फ्लैशेज वगैरह तो है, लेकिन दो प्रॉब्लम्स है ना, मेरे पास कैमरामैन है और ना मेरे पास कोई फ्लैश लाइट है। असल में फ्लैश लाइट तो है, लेकिन वो छोटी वाली जो होती है ना वो है। तो मतलब मुझे रिकॉर्ड भी खुद करना पड़ेगा और एक्सप्लोर भी खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यार पहली वीडियो है, मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। देखते हैं, जितना मैं मतलब अपना बेस्ट दे सका मैं दूंगा। और यार प्लीज़ 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 मुझे बहुत सपोर्ट लोग की ज़रूरत है आप लोगों की। तो बेसिकली पहले हम जाते हैं वहाँ पे, विज़िट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये बहुत हो गया है इंट्रोडक्शन। वेल माय नेम इज़ जेम्स, जेम्स तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है यार। अबे जी बस यार आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार बेसिकली हम यहाँ पे तो पहुँच गए, अंदर हमारी एंट्री हो गई है। और कहा था ना यार कोई बड़ी वाली फ्लैश नहीं, और देखो ये आपके लेकर गया हूँ। वैसे पहले चलो फ्रंट वाली वीडियो बना लेते हैं, बाद में बैक वाली बना लेंगे। तो चल रहे हैं हम अपने, देखते हैं। वैसे यार एक बात बताओ अपने एक्सपीरियंस से, मुझे नहीं लगता कि भूत वूत होते हैं, अगर होते भी होंगे तो आई डोंट केयर कि मतलब वो इंसान के पास आना और उन्हें तंग करना ऐसा वगैरह कुछ करते होंगे। तो पहले तो मैं आपको ये दूर दूर से मतलब एकदम सुनसान है,
यहाँ पे पीछे अपनी स्कूल है और बाकी पूरा इलाका सुनसान है। एक बार मैं आपको ना दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप, ये है हमारी स्कूल जिसे हम पता नहीं हॉन्टेड कह भी सकते या नहीं। वेल यार, दरवाजे को फलांगना भी बहुत मुश्किल था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे पता है कुछ होने वाला था या नहीं। तो यार एक बात बताऊं, बहुत मुश्किल है ये। मतलब एक बात बताओ यार, बहुत मुश्किल है। मतलब एक आदमी मतलब कैमरा के साथ, फ्लैश के साथ ये सब कुछ रिकॉर्ड करे अकेले, और मतलब अरे यार कुछ लाइक भी ना आए। तो पहले हम देख लेते ये जी, पहले पहले क्या दिख गया। तो पहले मिले ही हमें बाथरूम ही दिख गया। तो यार इससे आगे फाइंड आउट करने के लिए मतलब हम जो है मेन स्कूल में तो ताला लगा हुआ है यार। वैसे मैं ना डोर फलांग के आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, ताला ताला लगा हुआ है इस पे भी। दिखाता है चलो थोड़ा बहुत। रजना गर्मी भी बहुत रखी है। तो चलो अभी आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा फेस तो दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि मेरे पास तो आपको पता है कैमरामैन तो है ही नहीं। तो चलो एक बार मेरे फेस के बिना ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यार पहले पहले जो हम आए थे ना अपना इस वाले वॉशरूम में, और देखा जाए तो ये कोई शॉप है, किसी शॉप का दरवाज़ा है। और हेलो भूत भाई, यहाँ कोई है? ओ भूत भाई है नहीं क्या, बात करनी है? ये स्कूल का मेन हॉल, और ये सारी क्लासें बंद लगी पड़ी है, लेकिन ये आई थिंक मैं खोल सकता हूँ। खुल गई सिम सिम। तो चलो जी हमारा वेलकम भी हो गया। अब यार यहाँ तो रूम को ताला, पहले को तो ताला लगा हुआ है, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है, देख सकते हो। यार अगर ये जो कहते हैं ना होते ऐसे ऐसी जगहों पर, तो यार मैं अकेला आया हूँ इसी वॉन्टेड जगह पर। पहली बात तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, ये दूसरी क्लास है। चलो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो यार, अगर कोई होता तो मैं अकेला आया हूँ, कोई होता तो मतलब कुछ तो आता, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं। ये थर्ड पता नहीं कौन सा कमरा है, ये भी क्लासरूम ही है। चलो भाई
ये भी आप देख ही लो। भूत भाई कुछ बात करनी है यार, पता नहीं क्या जी। अपने हो गया नोटबुक से चल यार, और मतलब दूसरे जगहों पे तो सब लाख लगे हुए हैं, तो मैं कर सकता था तो मैंने किया। अच्छा ये चमकने वाली है ना, ये डरने वाली बात नहीं है। एक बात बता दूँ, ये अभी जो चमका ना ये बिल्ली थी और कुछ नहीं है। मैंने आप कमेंट सेक्शन में देखे वो रहा भूत, वो रहा भूत। अभी होता ना तो यहीं कहीं आस पास ही कहीं आ जाता, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मतलब यार, तो करीब करीब हमें कुछ टाइम गुजर गया है यहाँ पे। और यार मतलब मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश आने वाली है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से हमें भी जाना ही चाहिए। तो ये देख मैं भी नाइट नहीं दिखेगा यार। और रही आपकी दुआ से ना, एक बहुत बड़ी फ्लैश लूँगा, DSLR लूँगा, तो मतलब मैं मस्त किस्म की वीडियो बनाऊँगा और आपके लिए हॉन्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त हॉन्टेड वीडियोस में हॉन्टेड वीडियोस में बनाता रहूँगा ऐसे ही। यार देखो होती है, मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान के होने के हिसाब से ना कुरान में ना लिखा हुआ है कि ये चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि मतलब आप कहीं भी जाओ और वो मतलब वहीं रहने लगे। तो भाई अभी अपनी स्कूल को बाय बाय कहते हैं और फ्रंट कैमरा लगाते हैं। तो यार देखा आपने, मतलब एकदम सीना पसीना हो गया। और कुछ मिलना तो वैसे भी नहीं था, पता है होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही कहने पे आया था किया। और देख सकते हैं आप कितनी गर्मी लगी पड़ी, बहुत अभी मतलब बिजली भी चमक रही है ऊपर से। और देखा तो आपको ये यार, यहाँ का ना स्कूल का गेट बंद था तो मुझे ना फलांग के आना पड़ा था। अभी एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए फुल यार यहाँ से लॉक है। मतलब यहाँ से तो खुला हुआ है, बाहर से लॉक है। अभी ये दूसरा लॉक, मतलब यार देखो कितना कुछ डिफिकल्ट था ये। और ये थी हमारी स्कूल जिसे हम कहते हैं बाय। तो मतलब यार पहले वाली जो लोकेशन थी ना बेटर थी बात करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी हो चुकी है, तो मतलब अभी यहाँ से तो निकलते हैं क्योंकि बहुत जल्द मेरे ख्याल से बारिश होने वाली है। यार देखो आपको भी दिखाई दे रही होगी बिजली बहुत तेज़ी से हो रही है, तो ऐसा ना हो कि मैं भीग जाऊँ, मेरा मोबाइल भीग जाए। एक तो यार बहुत गरीब आदमी हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सके वो कर दो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ यार कर देना। और अभी बाहर चल के बात करते हैं, पहले मैं ये फलांग लूँ क्योंकि वैसे तो है नहीं कि खोल के चला जाऊँ डायरेक्ट बाहर, तो बाहर ही मिलते हैं। आप देख सकते हो अभी मैं मतलब अपनी स्कूल से बाहर आ चुका हूँ, और वो रही अपनी बाइक, तो वहीं चल के बात करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, मतलब जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे ही ख़त्म हुआ। और यार पता हो ना एकदम हवा भी बंद है और बारिश भी आने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया यार, ये जो पीछे जो पूरा स्कूल है ना पूरा आप देख सकते हैं यार, ये पता ही कहाँ तक जा रहा है, लाइट भी वहाँ तक नहीं जा रही। यार ये पूरा ये स्कूल ना अंदर से हॉन्टेड माना जाता है, मतलब कि यहाँ मेरा खुद का भाई भी यहाँ पे पढ़ता था,
तो मतलब उन्होंने कहा था कि पैरानॉर्मल ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है बच्चों के साथ। तो मतलब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरा भाई ने तो कहा स्कूल चेंज करा दो, मानी तो नहीं थी। और जब ग्रेजुएट मतलब 10th उसने किया तो उसका आगे हो गया। लेकिन और भी ऐसे बहुत कहते थे कि मतलब मेरा भाई भी खुद मुझसे कहता था कि यार भाई वहाँ पे ना कुछ अजीब अजीब कुछ होने लगता है। मतलब जैसे आप बैठे हुए हो कहीं पे तो अपने आप कुछ गिर जाना, जैसे मेज पे चौक वगैरह या ऐसा कुछ। यार बात बताऊँ, वो दिन में आते थे 500 स्टूडेंट, 50 टीचर, स्टाफ अलग। उनको दिखा, मुझको क्यों नहीं दिखा, राजेश को क्यों नहीं दिखता, आशीष को क्यों नहीं दिखता, और अपने दीपक भाई को क्यों नहीं दिखता। तो यार एक बात बताओ, ये फर्जीवाड़ा है, सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। मैं नहीं लग रहा है इस पे, आप भी मत लगो प्लीज़। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यार अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। और मैं क्या कहूँ, अपनी पहली वीडियो में इतना कुछ झाड़ चुका हूँ यार। पता है पहली वीडियो में मतलब मेरा बात करने की स्पीड या मतलब वे मेरा वैसा तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि अपनी स्किल्स बेटर ले लूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यार जितना हो सके अपनी फैमिली का सपोर्ट करें, उनको प्यार करें, और वे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मतलब कमेंट करना आपके लिए किया है यार। मतलब यहाँ पाकिस्तान में ना मेरे ख्याल से और कोई चैनल नहीं है, मैंने आज तक तो नहीं देखा है। मतलब मैंने फर्स्ट ही मैंने किया है, और कोई तो ऐसा काम करता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। तो फ्यूचर में हम नाइट कैंपिंग या ऐसी और हॉन्टेड जगह या हॉन्टेड गेम जो होती है वो खेलने के लिए हम जाया करेंगे। तो तभी तक के लिए यार पीस आउट। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और पीस आउट।